सुस्वागतम 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 बच्चों, मैं डॉक्टर नितिन दत्तात्रेय पंडित, सहायक प्राध्यापक कर्मवीर आवा साहेब तथा नामस सोनोने कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय सटाना, आज हम प्रथम वर्ष वाणिज्य इस कक्षा की पेड़ की पुकार इस कविता को देखने वाले हैं। शंभुनाथ सिंह द्वारा ये कविता लिखित है। इस कविता के भीतर देखा जाए तो प्रारंभिक तौर पर हमें आज के आधुनिक युग में मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि वह अपने स्वार्थ के कारण पेड़ की कटाई कर रहा है, जंगल की कटाई कर रहा है, इमारतें सीमेंट की इमारतें बनवा रहा है, बड़े बड़े सीमेंट के जंगल जो है उन्होंने खड़े कर दिए हैं। इस कारणवश पर्यावरण जो है पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है। मनुष्य सबसे बड़ा बुद्धिमान प्राणी होकर भी आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण का ख्याल उसके मन में नहीं है। मनुष्य के लिए पेड़ कितने महत्वपूर्ण हैं, मनुष्य के जीवन में पेड़ क्या महत्व रखते हैं, जंगल क्या महत्व रखता है, इस संदर्भ में यहाँ पर विचार करना अत्यावश्यक है। इसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक पेड़ मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी है एवं पेड़ों के बिना मनुष्य का जीवन ही असंभव है, ऐसा कथन करना यहाँ पर उचित होगा। शंभुनाथ सिंह द्वारा लिखित पेड़ की पुकार इस कविता को हम स्पष्ट कर रहे हैं। इस कविता के भीतर शंभुनाथ सिंह जी ने पेड़ों का मानवीकरण किया हुआ है। पेड़ों का मानवीकरण करते हुए उन्होंने इस कविता को हमारे सामने रखा हुआ है। इस पेड़ के संदर्भ में जो हमारा उद्देश्य है या कवि का उद्देश्य है, इस उद्देश्य के संदर्भ में विचार किया जाए तो स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि मनुष्य का जीवन जो है एवं मनुष्य तथा जीवों के लिए पेड़ और जंगल अत्यंत महत्वपूर्ण है और पृथ्वी के पर्यावरण का संतुलन रखने में पेड़ और जंगलों की सुरक्षा करना या पेड़ और जंगल की सुरक्षा करने का संदेश जो है वह देना है। पेड़ों के कारण मानव को मिलने वाली जो सामग्री है या संसाधन है इनका महत्व समझाना और इसी के साथ साथ पेड़ों की कटाई जो है उसके कारण होने वाले निर्माण होने वाले जो दुष्परिणाम हैं इस दुष्परिणामों का विवेचन करना और पेड़ लगाओ पेड़ दुनिया बचाओ, ये जो है ये संदेश हमें आज देना है। इस कविता के माध्यम से आज हम इस कविता को प्रारंभ करते हुए पेड़ की पुकार इस कविता में शंभुनाथ सिंह जी ने जो कहा है उसके कुछ अंशों को यहाँ पर लेने वाले हैं। इस कविता को प्रारंभ करने से पहले शंभुनाथ सिंह के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना या उनके बारे में यहाँ पर देखना यह हमारा कर्तव्य है। तो शंभुनाथ सिंह जो है इन्होंने इनका जन्म जो है वह 1916 में को गांव रावतपार जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। नवगीत के वह प्रमुख प्रेरणा माने जाते हैं और नवगीत को हिंदी साहित्य की एक प्रमुख ऐसी लोकप्रिय विधा के रूप में उन्होंने यहाँ पर स्थापित करने में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण ऐसी भूमिका जो है ये भूमिका निभाई है।
उनके गीत संग्रह में रूप रश्मि, माताभूमि, छायालोक, उदयांचल, दिवालोक, इसी के साथ साथ जहां दर्द नीला है, वक्त की मीनार पर आदि इनकी जो है ये प्रकाशित कृतियां है। संपादन के रूप में नवगीत दशक द्वितीय, नवगीत दशक तृतीय तथा नवगीत अर्धशती आदि जो है इनकी रचनाएं रही है। तो पेड़ की पुकार इस कविता को आज हम देखने वाले हैं, शुरुआत कर रही है। पहले हम इसको थोड़ा सा गाएंगे भी और उसके साथ उसका विश्लेषण भी यहाँ पर करेंगे। इसके कविता के अंतर्गत यहाँ पर संवाद की भूमिका जो है ये संवादात्मक यहाँ पर शैली का प्रयोग यहाँ पर हमें दृष्टव्य होता है। पेड़ का मानवीकरण करते हुए शंभुनाथ सिंह जी ने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया हुआ है। आज परिवारन के दृष्टि से पेड़ लगाना, उसकी परवरिश करना ये कितना जरूरी हो गया है। पेड़ की पुकार कविता के अंतर्गत शंभुनाथ सिंह जी जो है इन्होंने मानव जीवन के लिए पेड़ कितने महत्वपूर्ण है, क्या विशेष महत्व रखते हैं, इसका उल्लेख यहाँ पर किया है। उन्होंने पेड़ की परवरिश या पेड़ को मानवीकरण करते हुए पेड़ की परवरिश किस तरह से होती है, इसके साथ साथ पेड़ मानव जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण है और इसका विवेचन अपनी कविताओं के द्वारा यहाँ पर स्पष्ट किया हुआ है। पेड़ों के माध्यम से यहाँ पर शंभुनाथ सिंह स्पष्ट रूप से पेड़ों का दुखड़ा मनुष्य को सुना रहे हैं। पेड़ की पुकार कविता। रो रो कर पुकार रहा हूं, हमें जमी से मत उखाड़ो, रक्त श्राव से भीग गया हूं मैं, कुल्हाड़ी अब मत मारो। अब यहां पर पेड़ मनुष्य से रो रो कर कह रहा है कि हमें जमी से मत उखाड़ो, रक्त श्राव से मैं पूरी तरह से भीग गया हूं, मुझ पर हमेशा कुल्हाड़ियां चलती है, इस कारणवश मेरे शरीर से अनेक प्रकार के द्रव निकलते हैं, तो ये रक्त श्राव है मेरा और मैं पूरी तरह से भीग गया हूं, अब मुझ पर कुल्हाड़ी मत चलाओ, ऐसा मनुष्य से वह कह रहे हैं। मनुष्य जब कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ों को काटने आता है, जंगलों को काटने आता है, तो पेड़ मानवीकरण, पेड़ मनुष्य की तरह उसे वार्तालाप कर रहा है, उसे रो रो कर उसे याचना कर रहा है। अपनी परवरिश किस तरह से हुई है इस बात को वह स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं। आसमां के बादल से पूछो मुझको कैसे पाला है, हर मौसम में सींचा हमको, मिट्टी करकट झाड़ा है। ने उस आसमान के बादल जो है इन्होंने, इनसे पूछो तुम कि मुझे कैसे पाला है, एक छोटे बालक की तरह मुझे उसने कैसे संभाला है, मेरी परवरिश कैसे की है, हर मौसम में हमको सींचा, यानी हर मौसम में हमारी रक्षा की है, हमको सींचा है, और हम पर जो आने वाला मिट्टी और करकट है जो है वह हवाओं के माध्यम से इन्होंने झाड़ने का या उससे हटाने का प्रयास जो है किया हुआ है। उन मंद मंदा हवाओं से पूछो जो झूला हमें झुलाया है, पल पल मेरा ख्याल रखा, अंकुर तभी उगाया है। देखो कितनी सुंदर बात कही है कि मंद मंद हवाएं जो चलती है, इन हवाओं से पूछो क्या हमें किस तरह से उन्होंने झूला झुलाया है, छोटे बालक को जिस तरह से झूला झुलाते हैं उसी प्रकार झूला हमें कैसे झुलाया है। और इसी के साथ साथ वो कह रहे हैं कि पल पल मेरा ख्याल रखा, अंकुर तभी उगाया है, हमारा पल पल में छोटे बालक बच्चे का जिस तरह से पल पल में ख्याल रखते हैं, उसकी तरफ ध्यान देते हैं वहाँ, उसी तरह से यहाँ पर इन हवाओं में पूरी तरह से इस प्रकृति ने उस वृक्षों का, उस पेड़ों का ख्याल रखा है और तभी जमीन से अंकुर जो है वो निकला हुआ है। तुम सूखे उपवन में, यहाँ पर उन्होंने एक संदेश दिया हुआ है, तुम सूखे उपवन में पेड़ों का एक बाग लगाओ, यानी सूखा उपवन जो है उसमें तुम एक पेड़ों का बाग लगाओ, जहाँ पर मिट्टिया जो यहाँ पर पेड़ जो है सूख रहे हैं, जहाँ पर पेड़ नष्ट हो रहे हैं सूख कर अपने आप, तो वहाँ पर तुम जाकर उस पेड़ों का एक बाग लगाओ। रो रो कर पुकार रहा हो, हमें जमी से मत उखाड़ो।
रो रो कर पुकार रहा हो हमें जमी से मत उखाड़ो। तुम पेड़ों का भाग लगाओ और मैं तुम्हें रो रो कर पुकार रहा हो, विनती कर रहा हूं कि हमें जमी से मत उखाड़ो। आगे चलकर वह कह रहे हैं कि पेड़ों के कारण इस धरती का सौंदर्य किस प्रकार है, इस बात को यहां पर उजागर करते हुए, स्पष्ट करते हुए उन्होंने आगे चलकर कहा है। वे कहते हैं कि हमारे कारण हम जो है वह ये हमारे कारण पेड़ जो है, पेड़ कह रहा है कि हमारे कारण इस धरती जो है, ये धरती जो है, इस धरती का सौंदर्य किस तरह से खिला हुआ है, हमारे कारण ही ये धरती का सौंदर्य किस तरह से बढ़ता है और मनुष्य प्राणी जो है हमारे कारण किस तरह से जीवित है, इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं। तुम इस धरा की सुंदर छाया हम ही पेड़ों से बनी हुई है, ये धरती जो है इसकी सुंदरता जो है हम ही के कारण बनी हुई है। इसी के साथ साथ वो कह रहे हैं कि ये जो इस धरा की सुंदर छाया हम पेड़ों से बनी हुई है, मधुर मधुर ये मंद हवाएं अमृत बन के चली हुई है, हम ही से नाता है जीवों का जो धरा पर आएंगे, हम ही से रिश्ता है जन जन का जो इस धरा से जाएंगे। अत्यंत सटीक बात यहां पर शंभुनाथ सिंह जी ने पेड़ों के माध्यम से कही हुई है। इस धरा का सौंदर्य जो है इस पेड़ों के कारण ही है, और ये जो मंद मंद मधुर ऐसी हवाएं जो चलती है और हमें जो ऑक्सीजन मिलता है, ये अमृत बनकर हमारे काम में आती है, ये अमृत बनकर बहती है और इसी हवाओं से हम ऑक्सीजन लेते हैं और मनुष्य का जीवन जो है पनपता है। हम ही से नाता है जीवों का, और ये जो जीव जंतु जहां पर जितने भी हैं इस धरा पर जो आएंगे वह, या इस धरा से जो जाएंगे उन्हीं से हमारा नाता है, क्योंकि जन्म लेने से लेकर अंतिम तक जन्म जब लेते हैं वह समय मनुष्य के हृदय में, मनुष्य को यहाँ पर खटिया पर ही मनुष्य का जन्म होता है, या जो अन्य वन्य जीव जो है वह जीव जब अपना इस अस्तित्व इस भूतल पर दिखाते हैं, अस्तित्व उनका निर्माण होता है, जन्म जब लेते हैं तब इसी पेड़ों के साथ होता है, इसी पेड़ों की आगोश में होता है, ऐसा यहाँ पर मानना उचित होगा, क्योंकि खटिया से लेकर अंतिम तक चिता तक लेकर यहाँ पर मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक यहाँ पर उन पेड़ों का महत्व जो है मनुष्य के जीवन में अनन्य साधारण है। शाखाएं आदि तूफानों में टूटी है, हमारी शाखाएं जो है तूफानों के कारण टूट गई है, टूट आंख में मत डालो, रो रो कर पुकार रहा हो हमें जमी से मत उखाड़ो। तूफानों के कारण, आंधी के कारण हमारी शाखा वैसे ही आधी टूट गई है, और यहाँ पर हमारे आंखों में आप ठूट मत डालो, रो रो कर पुकार रहा हो हमें जमी से मत उखाड़ो। हम ही करते हैं सब प्राणियों को अमृत का रसवान। अब वह क्या क्या देते हैं पेड़ हमारे जीवन में, इस बारे में यहाँ पर कवि बतलाते हैं कि हम ही के कारण यहाँ पर मनुष्य को क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं, और हम ना रहे तो किस तरह से त्राई त्राई मच जाएगी, इस बात को यहाँ पर उजागर किया हुआ है। हम ही करते हैं सभी प्राणियों का अमृत रसवान, हम ही से बनती कितनी औषधियाँ नई पनपती जान। हमारे कारण अनेक प्रकार यहाँ पर यह अमृत का रसपान जो है, इसका मतलब है अनेक प्रकार के रस का पान जो है हम करते हैं, इसी के साथ साथ रस स्वाद लेते हैं, इसी के साथ साथ हम जो है ऑक्सीजन लेते हैं, इसी के कारण अनेक प्रकार के हम ही पेड़ों के कारण अनेक प्रकार की औषधियाँ बनती है, और औषधियों से यहाँ पर दवाइयाँ बनती है, औषधियाँ बनती है, उससे मनुष्य की जान बचती है, इस बात को यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया हुआ है। न जाने कितनी जाने हमसे बचती है,
कितने फल फूल हम देते हैं मनुष्य को, कितने फल फूल देते हैं, फिर भी अनजान बने खड़े हो। यानी हमारे जो इतने सारे उपयोग हैं, हम जो देते हैं मनुष्य के जीवन में, हमारा क्या महत्व है, इस सारी बात को आप अनजान बनकर सब भूल गए हो, उसके प्रति आप किसी प्रकार कृतार्थ नहीं हो, एक कृतज्ञ की भूमिका आप यहां पर निभा रहे हो। अनजान बनकर कुलाड़ी हम पर तान रहे हो और अनजान बने हो, ले कुलाड़ी ताक रहे हो, उत्तर दो क्यों बेजान खड़े हो। यहां पर मनुष्य को सवाल किया हुआ है कि हम इतना सारा देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, रसमान कराते हैं, फिर भी तुम बेजान होकर यहां पर अनजान बनकर खड़े हुए हो और कुलाड़ी तान कर हमें मारने के लिए तैयार हो, क्यों खड़े हो, चुप क्यों खड़े हो, आप उत्तर दीजिए। इस तरह से बातें यहां पर वो कह रहे हैं। हमी से सुंदर मिलता है जीवन, हमी से सुंदर जीवन मिलता है, बुरी नजर मुझ पे मत डालो, रो रो कर पुकार रहा हूं, हमें जमी से मत उखाड़ो। अगर जमी पर हम नहीं रहे, जीना दुबर हो जाएगा, त्राही त्राही जन्मे हो, जन जन्मे होगी, अहंकार मच जाएगा। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अगर हम इस भूतल पर नहीं रहे, जमीन पर नहीं रहे, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा जीना दुबर हो जाएगा, त्राही त्राही सब जगह पर हो जाएगी, किसी प्रकार की पेड़ न होने के कारण वर्षा नहीं होगी, किसी प्रकार की हवाएं नहीं चलेगी, किसी प्रकार के अमृत का रसवान तुम नहीं कर पाओगे, दवाई नहीं मिलेगी, यह और चारों तरफ अहंकार मच जाएगा। तब तुम पछताओगे बंदे, तब तुम पछताओगे बंदे, हमने इन्हें बिगाड़ा है, हमें से घर घर सब मिलता है, जो खड़ा हुआ किवाड़ है। यानी तब तुम्हें हमारी याद आएगी, तुम पछताओगे कि तुमने ही इसको बिगाड़ा है, तुमने ही हमें तोड़ा है, तुमने ही जंगलों को नष्ट कर दिया है। हमी से घर घर में, तुम्हारे घर घर में जो किवाड़ मिलता है, जो दरवाजे मिलते हैं, खिड़कियां मिलती है, वो हमी से मिलती है। जाओ गली गली में पेड़ लगाओ, हर प्राणी में आस जगा दो। जाओ गली गली में पेड़ लगाओ, हर प्राणी में आस जगा दो, रो रो कर पुकार रहा हो, हमें जमी से मत उखाड़ो। इस तरह से यहाँ पर कवि शंभुनाथ सिंह जी ने यहाँ पेड़ लगाने का एक संदेश जो है वह पेड़ों के माध्यम से अंतिम पंक्तियों में दिया हुआ है कि गली गली तुम पेड़ लगाओ, और पेड़ लगाने के कारण मनुष्य का जीवन किस तरह से सुजलाम सुपलाम हो सकता है, इस बात को यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया हुआ है। तो इस तरह से यह कविता पर्यावरण की दृष्टिकोण से शंभुनाथ सिंह जी ने पर्यावरण एवं इसी के साथ साथ मनुष्य के स्वार्थी जीवन में पर्यावरण का किस तरह से ह्रास हो रहा है, इस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया है, उजागर किया है। मानव के जीवन में पेड़ कितने महत्वपूर्ण है, पेड़ों का अनन्य ऐसा साधारण महत्व है, पेड़ों के कारण सजीवों का अस्तित्व है, मानव को पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ लगाओ दुनिया बचाओ, यही संदेश यहाँ पर इस कविता के माध्यम से शंभुनाथ सिंह जी ने पेड़ों के माध्यम से हमें दिया हुआ है, इस कविता के माध्यम से दिया हुआ है। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।